नमस्कार। कैसे हम अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरें? हम सभी रोज अपने घर में पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती सब कुछ करते हैं, पर अगर उसी को हम उस मेथड से कर दें जिससे कि सारी निगेटिविटी बाहर निकलने लगे और आपका घर पॉजिटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट करने लगे, तो आप जो भी हीलिंग थेरेपी करते हैं उस हीलिंग थेरेपी का असर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वो रूम या वो घर आपने पूरी तरह पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाला बना रखा है। खास तौर पे हीलर्स, जितने भी हीलर्स हैं जिस रूम में बैठकर वो हीलिंग करते हैं, उस रूम को ऐसा बना के रखें कि वो पॉजिटिव ऊर्जाओं से ही भरी रहे, किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी उसमें कभी नहीं हो। तो आपने करना क्या है देखिए, मैं आपको बैठकर बता रही हूं ताकि आप ठीक से देख पाए, वैसे आपको खड़ा होकर करना है। जैसे कि हम धूप अगरबत्ती रोज घर में करते हैं, तो आपने करना क्या है, जहां से भी आप अपनी पूजा शुरू करते हैं, जो भी आपके आराध्य हैं, आप डॉक्टर मिकाओ सुई को रोज नमन करते हैं, आप आपके इष्ट देव देवी को भी नमन करते हैं, तो आप वहां से शुरू करें। वहां से सबसे पहले आप पॉजिटिव इसको क्लॉकवाइज घुमाइए, इसको 3 times आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। पहले जिन जो भी आपके गुरुज हैं, आपके इष्ट देव देवी हैं, उनको आपने 3 पहले क्लॉकवाइज घुमा लिया, आपने ऐसे धूप जलाकर 3 क्लॉकवाइज घुमाया। उसके बाद आप क्या करेंगे, वहीं से शुरू करके अपने पूरे रूम में आप घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये है, यहां से ही शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब घर के हर कोने में आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फिर आप घूम रहे हैं। घूमते घूमते आपको यहीं पे आके रुक जाना है। एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आपको मन में क्या थॉट रखना है कि इस रूम में जितनी भी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिव एनर्जीज हैं, वो सब निकल के यूनिवर्स में जा रही है, ये रूम पूरी तरह क्लीन होता जा रहा है। तो ऐसे यहाँ से अपनी तस्वीर से शुरू करके आप पूरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते यहीं पे आके एंड करिए। एंड करने के बाद 1 आपको पॉज करना है, रुक जाना है, यहाँ आकर 1 रुक जाएं। रुकने के बाद फिर इसी पॉइंट से स्टार्ट करें और क्लॉकवाइज घूमें। अब आपका अफर्मेशन क्या होगा कि ये रूम पॉजिटिव ऊर्जाओं से भरा हुआ है, सभी पॉजिटिव एनर्जीज इस रूम में आ रही हैं, ये रूम अट्रैक्ट कर रही है, ये रूम सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है, ईश्वरीय आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से भरा हुआ है। तो यहाँ से फिर आप घूमें एंड क्लॉकवाइज घूमेंगे दोबारा, मतलब पूरा रूम आपने पूरा क्लॉकवाइज घूम के फिर आप यहाँ पर आएंगे और फिर आप इस अगरबत्ती को कहीं भी, या धूप जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको कहीं भी लगा दें। ध्यान ये रखें कि ये जो धुआं है, ये जो धूप है, इसको पूरे जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निगेटिविटी भी निकाल रहे हैं, तो हर जगह से, छोटी छोटी चीज से भी, जैसे कि हमारे सोफे रखे हुए हैं, मान लीजिए सोफा रखा है, तो वहां से भी, मतलब बिल्कुल ऐसे ऐसे आपको नीचे से भी, मतलब पूरे घर के हर कोने से, ऐसा नहीं कि अलमारी है तो आपने छोड़ दिया, अलमारी है तो उस पे भी कम से कम थोड़ा थोड़ा ऐसा कि कहीं भी किसी तरह की कोई निगेटिविटी कलेक्ट हो तो वो निकलती जाए, कोई निगेटिविटी आपके घर में ना रहे। और कोने कोने में, छोटी छोटी जगह पर भी ये धुआं आपको देना है, मतलब पूरे में। अगर आप ऐसा रोज करेंगे ना, तो जिस रूम में आप रोज ऐसा कर रहे हैं, पूरे घर में भी आप कर सकते हैं। आप चाहे तो मतलब जो घर का आपके कॉर्नर्स हैं, कोने कोने, आप वहां से कर सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप करते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप अपने पूरे घर को पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर रख रहे हो। अगर ऐसा रोज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम जिस रूम में काम करते हैं, जो आपका हीलिंग रूम है, उस रूम में कम से कम आप जरूर करें, क्योंकि उस रूम में एनर्जीज होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जीज वहां अट्रैक्ट हो, कोई चीज ऐसी हो जहां जो उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करें। तो उसके लिए आप इस तरीके से रूम को क्लीन करेंगे, तो आपके आपको खुद ही पॉजिटिविटी फील होगी, आप उस एनर्जी को खुद फील करने लगेंगे। तो ये एक तरीका होता है कि आपने 3 पहले क्लॉकवाइज करके अपने भगवान को नमन किया, गुरुज को नमन किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज पूरे रूम में, फिर क्लॉकवाइज पूरे रूम में, और फिर एंड में आकर आपको लगा देना है आपका धूप, अपने रूम में लगा देना है, फिर वो पूरे रूम में जाए। तो इस तरह से हम जब रूम को चार्ज करते हैं, क्लीन करते हैं, तो हमारा रूम पॉजिटिविटी से भरा हुआ रहता है।
तो ये एक छोटा सा तरीका होता है, जो ये छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो हम अगर अपनी डेली रूटीन में शामिल करते जाएंगे तो बहुत सारे चेंजेस हम अपनी लाइफ में ला पाएंगे। तो अगर आप इसमें कुछ और जानना चाहें, समझना चाहें, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उन टॉपिक्स पे भी आपको समझाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी। और कुछ आप जानना चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।